वो तुमसे नहीं होती क्या? तुम भी एसडी कार्ड लगाना हमसे भूल कम जाते गलतियां हो। होती है, तुमसे ज्यादा होती है भाई, वहां सिंपल से सी रहने बात, दो। तुमसे ज्यादा होती है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड। और भाई साहब, आज असली वाला फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन 2022 का हमारे पास आ चुका है। फ्लैगशिप किलर किसे बोलते हैं ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। और इस वाले स्मार्टफोन के लिए भाई साहब मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। जब से वो कोरियर वाले देखे कैसे चुल पड़ी हुई है तुमको। ये आईक्यू 9 SE, और जहां तक हमारा अनुमान है ये आईक्यू 7 जो पिछले साल आया था ना उसका सक्सेसर है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आईक्यू 7 लेजेंड का है, परंतु मैं इसे आईक्यू 7 का सक्सेसर या फिर उत्तराधिकारी मानूंगा। तो उसको डिब्बे से बाहर निकालने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। बिल्लू आ जाओ। डिब्बा तो ऐसे ही था पिछले वर्ष भी, है ना। यहाँ पे 9 लिखा है, आईक्यू 9 यहाँ लिखा है, आईक्यू 9 SE। हमारे पास 12 GB 256 GB है। सनसेट स्लेरा ये रंग है, वैसे भी कौन सा रंग होता है अनबॉक्स कर लेंगे, खुद ही जान जाएंगे। तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने नहीं किया है तो। सील नहीं खोले हम। ये भाई साहब आराम से निकल आता है, एकदम बहुत ही प्यार से निकल आता है। मॉन्स्टर इनसाइड होता है, राक्षस है इसके अंदर। सिम खोदने वाला यंत्र है, कुछ पुस्तिका के साथ। ओ भाई साहब, अरे यार ये कलर चेंजिंग का लग रहा है बिल्लू। ये सही है यार, ग्रेडियंट वाला। आईक्यू 7 जो उपयोग किया था ना वो थोड़ा सिंपल सा था। अरे बिल्लू पता है बहुत हैंडी सा लग रहा है। ये कव मिल जाता है ना यहाँ पे, ग्लास बैक है भाई, ग्लास बैक है। और ये मैट फिनिश टाइप का कुछ लग रहा है इसका, ये अच्छा लग रहा है। फिंगरप्रिंट थोड़ा थोड़ा चिपक रहे हैं, मिट जा रहे हैं। कैमरा लेआउट भी अच्छा लग रहा है ना। और इसमें OIS भी है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। जो फ्रेम है ना प्लास्टिक है, सही लग रहा है, गेम खेलने में मजा आएगा। ये टीपीयू सिलिकॉन केस भी मिल जाता है, 66 वॉट का अडाप्टर है। ये एक छोटी सी वस्तु मिल जाती है, इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि जैक भैया नहीं है इसमें। जैक भैया परवाह नहीं भाई हमको, सही बताएं तो हमको फोन बढ़िया चाहिए। जैक भैया जाएं थोड़ा आराम करें। मस्त लग रहा है, कवर लगा के भी सही लग रहा है। थिन फिल्म स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा के दिया गया देखो इसमें यहाँ पे। तो बिल्लू आईक्यू 9 के परिवार में इस बार ना 3 महारथियों की एंट्री हुई है, बता कौन कौन सा। आईक्यू 9 और आईक्यू 9 प्रो और आईक्यू 9 SE। जी हाँ, ये वाला SE। और इस वाले फोन ने भाई साहब फ्लैगशिप की ना ऐसी की तैसी कर रखी है भाई, तगड़ा फोन है ये। अभी आईक्यू 9 SE आईक्यू के लिए एक स्पेशल एडिशन होगा संभवतः, परंतु ये हमारे लिए एक सस्ता सुंदर और सक्षम एडिशन है। सर्वप्रथम बात करते हैं भाई फ्लैगशिप किलर होता क्या है। जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की हत्या कर दे वो है फ्लैगशिप किलर, जो कम पैसों में फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स का एक्सपीरियंस दे वो है फ्लैगशिप किलर। बाकी इस फोन में क्या कैसे मिलता है वो आपको आगे बताऊंगा। सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो। तो बताइए बिल्लू कितने लाइक चाहिए आपको इस वीडियो में। 1000 लाइक, पिछली बार भी 1000 था, चलो 1100 लाइक्स। तो इस वाले स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 888 अर्थात 888 चिपसेट मिल जाता है। 2021 का फ्लैगशिप चिपसेट है और अभी भी फ्लैगशिप ग्रेड का है। अब पिछले वर्ष क्या था ना बिल्लू, ये गर्म होता था, मतलब थोड़ा ज्यादा ही गर्म होता था। तो अभी देखना है क्या ये सर्दियों में गर्मियों का एहसास दिलाएगा या फिर मतलब कंपनी ने कुछ सही कर दिया। अब हमारे पास ये आईक्यू 9 प्रो भी था, महंगा वाला 8 Gen 1 के साथ जो आता है। हमने ना एंटूटू रन कराया तो हमने नोटिस किया कि आईक्यू 9 प्रो ने ना कुछ समय के पश्चात स्मार्टली ब्राइटनेस को ड्रॉप कर लिया ताकि हीटिंग को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। और आईक्यू 9 SE ने भाई साहब ब्राइटनेस को ड्रॉप नहीं किया। तो इस वाले परीक्षण में जो अधिकतम तापमान हमने नोट किया आईक्यू 9 SE का वो था लगभग 40 डिग्री सेल्सियस। और उसके पश्चात हमने बोला भैया नहीं, सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट भी रन कर लेते हैं। ये SE है, इसमें स्नैपड्रैगन 888 मिल जाता है। ये वीवो X70 प्रो प्लस है, इसमें स्नैपड्रैगन 888+ मिल जाता है। और ये आईक्यू 9 प्रो है, इसमें क्या थी आपको 8 Gen 1 मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SE है, ये वीवो है, ये आईक्यू 9 प्रो है। अगर हम थ्रॉटलिंग में सबसे ज्यादा थ्रॉटल किया है मतलब इन दोनों की तुलना में आईक्यू 9 प्रो ने, परंतु इन दोनों की तुलना में जब आप देखेंगे ना यहाँ पे जिप्स परफॉर्मेंस तो 8 जेन 1 में आपको अधिक मिलता है वो। बाकी ये दोनों 81% तक थ्रॉटल किए थे और ये 72% तक। और इस वाले परीक्षण के पश्चात भी जब टेम्परेचर देखा ना तो 40-41 डिग्री के आसपास था 9 SE में। तो भाई साहब जो कूलिंग टेक्नोलॉजी दी है इसमें वो कार्य कर रही है ऐसा हमें लग रहा है भाई। गेमिंग कर लेना बिल्कुल, पहले सेटिंग दिखा दो। ओ भाई स्मूथ बैलेंस HD HDR सबके साथ ना एक्सट्रीम 60 FPS गेम प्ले कर सकते हैं। अल्ट्रा HD के साथ अल्ट्रा, तो वही सेटिंग मिलती है जो 9 प्रो में मिल जाती है। यहाँ से स्वाइप करोगे ना फीचर मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये सारे फीचर मिल जाते हैं भाई, बैटरी सेव और बैलेंस। मॉन्स्टर मोड एक्टिवेट करो। अब CPU और GPU ना अपनी फुल क्लॉक पे रन करेगा, मतलब एकदम बढ़िया वाली परफॉर्मेंस देगा। बाकी यहाँ पे बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, गेम डिस्प्ले एनहेंसमेंट वाला फीचर मिल जाता है ना। ये देखो डिस्प्ले कलर चेंज हो गया ना, बदलो बदलो ना। अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी सा लुक आता है। हाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाएंगे, इसमें 60 FPS गेम प्ले है लेकिन यहाँ पे ना गेम इंटरपोलेशन वाला फीचर मिल जाता है। फ्रेम रेट बूस्ट हो जाएंगे ना तो ये 90 FPS तक, अप टू 90 FPS मतलब गेम चल सकता है इसमें। 35-36 के अराउंड है ना। Team match, let's go.
ये देखो इसमें वो कलर वाला कर दिया है ना, तो रेड टीम वाले कितना रेड दिख रहे हैं, पूरा रेड वाले ज्यादा रेड दिख रहे हैं ना, एकदम भयंकर रेड दिख रहे हैं वो। तो गेमिंग के भाई साहब मस्त हो जाती है, परंतु यहाँ पे कैमरा के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है आईकू। आईकू के स्मार्टफोन्स में कैमरा और परफॉर्मेंस पे मतलब अधिक ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये इसका कैमरा यूआई। अब यूआई इसका जो है ना वो आईकू 7 सीरीज जैसा ही लग रहा है। जैसे आईकू 9 प्रो है हमारे पास, तो उसका यूआई थोड़ा अलग हो चुका है, और वीवो की वी सीरीज का भी कैमरा यूआई अलग हो चुका है। और इस पे भी पोर्ट्रेट मोड में फ्रंट कैमरा स्विच करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट बोके लेवल 16 पे सेट रहता है, तो मैन्युअली आपको बोके लेवल को सेट करना पड़ेगा फ्रंट कैमरा में। अभी तक इतने चित्र हमने क्लिक किए हैं फ्रंट कैमरा से, हम कह सकते हैं आपको भाई कमाल की इमेजेस आ रही हैं। चाहे हम लाइट कंट्रोल की बात कर लें, चाहे हम स्किन टोन्स की बात कर लें, या फिर हम डिटेल्स की बात कर लें। ऐसे हार्श लाइटिंग में अगेंस्ट लाइट अगर हम इमेज क्लिक करते हैं ना, तो वहां पे भी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मतलब भाई साहब आईकू कैमरा बोल रहा है कि मैं झुकेगा नहीं साला। देख रहे हैं डिटेल विटेल एकदम बढ़िया लग रही है, स्किन टोन्स भी अच्छी लग रही है, बैकग्राउंड की लाइट अच्छे से मैनेज है, सब कुछ सही है, मतलब मस्त है, बढ़िया लग रही है यार इमेज। और ये कुछ रेयर कैमरा के शॉट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो इमेज प्रोसेसिंग है आईकू 7 में, मैंने आपको बताया होगा कि हल्का ऐसे येलोइश इमेज दिखती है पूरी, वही टोन मेरे को अभी भी दिख रही है इसमें। मतलब कुछ इमेज अभी मैंने क्लिक करी है, ज्यादा इमेज नहीं क्लिक करी है, परंतु यहाँ पे वो टोन मेरे को दिख रही है। हालांकि डिटेल्स डायनेमिक रेंज सही लग रही है। बच्चे वक्त खेल रहे हैं यार, ये लड़ाई मत करो भाई, गंदी बात होती है ना, ऐसे लड़ाई नहीं किया जाता। ये बच्चे लोग लड़ रहे हैं। 10x डिजिटल जूम होता है इसमें, तो इसमें डेडिकेटेड कोई मैक्रो लेंस नहीं दिया गया है, परंतु नॉर्मल मोड में रहेंगे ना, किसी ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर जाएगा। अभी देखो ये अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर गया और आपको बढ़िया मतलब डिटेल्ड मैक्रो इमेज क्लिक करके दे देगा। जैसे दूर आएंगे तो फिर से मेन कैमरा पे स्विच हो जाएगा। अब इस वाले स्मार्टफोन में आपको OIS भी मिल जाता है, अर्थात ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। यदि आपने आईकू 9 प्रो की वीडियो हमारी देखी हुई ना, तो आपको ज्ञात होगा कि OIS कैसे कार्य करता है। तो इसमें अंदर लेंस लगा होता है ना, वो मूव करता है ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसके रेयर कैमरा से आप 4K 60fps तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। 4K 60fps में आपको स्टेबल वीडियोस नहीं मिलेंगी, परंतु 4K 30fps और 1080p 60fps पे आपको बहुत अच्छी स्टेबल वीडियोस मिल जाएंगी। इसमें भी नॉइज कैंसिलेशन वाला है ना? हाँ, नॉइज कैंसिलेशन ऑन करो। तो अभी तक आप जो मेरी आवाज सुन रहे थे वो बिना नॉइज कैंसिलेशन की थी, अब नॉइज कैंसिलेशन इनेबल कर दिया गया है, तो जो बैकग्राउंड का कुछ नॉइज होगा ना वो क्लियर होके आ रहा होगा ना। ऑन है ना अभी फीचर? ऑन है। तुम्हारा भरोसा नहीं, लेकिन कैमरा ऑन करना भूल जाती है लड़की, कभी माइक ऑन करना भूल जाती है। अच्छा होती है कि नहीं? सही जी बताओ। हाँ, हो जाता है गलती, वो तुमसे नहीं होती क्या? तुम भी एसडी कार्ड लगाना भूल जाते हो। होती तुमसे ज्यादा होती भाई, सिंपल तुमसे ज्यादा होती। एसडी कार्ड का ही दिन तुम बाहर नहीं लेके गए थे, जब आउटडोर शूट करने गए थे वो कुछ नहीं ऐसे लेके चले गए थे कैमरा, वो तो हमने शूट नहीं करना था, मन नहीं था किया। तो ये वाला वीडियो शूट हो रहा है इसके फ्रंट कैमरा से भाई साहब, और यहाँ पे फ्रंट कैमरा में 1080p 30fps तक का विकल्प मिलता है। इसके आगे कोई विकल्प नहीं है, 4K का विकल्प नहीं है, ना तो आपको 60fps का कोई विकल्प मिलता है। तो सारी शक्तियां ना रेयर कैमरा को मिली यहाँ पे। और यदि मैं आपको अभी थोड़ा सा वॉक करके दिखाता हूँ, चल के दिखाता हूँ, तो स्टेबलाइजेशन का आइडिया लग जाएगा। संभवतः मुझे ऐसा लग रहा है कि शेकी वीडियो मिल रही है, आपको दिख जाएगा अच्छे से। वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है, परंतु यहाँ पे वीडियोस थोड़ा हिलती डुलती मिल रही है। और ये फ्रंट कैमरा में भी एम्बिएंट नॉइज को रिड्यूस करने वाला फीचर मिल जाता है। इसमें 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, आईकू 7 से 100mAh बढ़ाई गई है बैटरी कैपेसिटी को, और चार्जिंग स्पीड जो मिलती है वो 66W की ही है। तो अभी तक मैंने इसे एक बार फुल चार्ज किया है और ये 36 मिनट्स में फुल चार्ज हुआ है। बैटरी बैकअप के बारे में आपको रिव्यू में अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि अभी टेस्ट करने का उतना समय नहीं मिला है। तो रिव्यू अर्थात हमारे समीक्षा की प्रतीक्षा अवश्य करिए आप, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। बाकी जो डिस्प्ले मिलती है भाई 120Hz वाली है, फुल HD प्लस, और ये एक AMOLED डिस्प्ले है भाई, बढ़िया मस्त स्मूथ चलती है एकदम डिस्प्ले, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं इसे ऑटो स्विच वाले मोड पे रख के चलाता हूँ, ये स्मार्ट स्विच वाले ऑप्शन पे रख के, बैटरी कंजम्पशन थोड़ा मतलब कम होता है इस पे, और सही चलती है। तो यदि मैं बात करता हूँ भाई आईकू पॉपुलर क्यों है, इतना लोकप्रिय क्यों है, तो देखिए जहां तक मेरा अनुमान कहता है, जहां तक मैंने एनालाइज किया है, आईक्यू के स्मार्टफोन्स बजट में आपको कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छा सामंजस्य प्रदान करते हैं। और आईक्यू 7 भाई साहब 2021 में पूरे वर्ष चर्चा में रहा है, और मैं कह सकता हूँ कि आईक्यू 9 SE भी इस वर्ष 2022 में पूरी तरह से चर्चा में रहेगा। निसंदेह ये एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन है। मिल्लू, हम सोच रहे हैं ना कि इनका एक कैमरा कंपैरिजन बना दिया जाए, मजा आएगा। OnePlus 9 IT थोड़ा महंगा फोन है, सेम
चिपसेट है और ये i9 SE अच्छा रहेगा ना। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग भी टिप्पणी के माध्यम से बता सकते हैं कि हाँ इनका क्या कैमरा कंपैरिजन या फुल कंपैरिजन देखने में आप इंटरेस्टेड हैं। परंतु 31-32-33 हज़ार रुपए में यदि आपको ये वाला फोन मिले बिल्लू तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है कैमरा और परफॉर्मेंस के साथ साथ में डिस्प्ले एंड मतलब हर चीज बैलेंस्ड है, अच्छी लगी, मतलब सब चीज अच्छा और गेमिंग भी अच्छी है। मतलब एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन से जो अपेक्षाएं रहती है ना मोस्टली उपभोक्ताओं की यही रहती है। और बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं जो कि भाई 50-60 हज़ार रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते गेमिंग के लिए या बाकी चीजों के लिए, इवन इनका i9 Pro भी नहीं खरीद सकते। तो ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है बजट में, मतलब अभी ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ। कैमरा में OIS भी है, सब कुछ है, बढ़िया यार। और पता है एंड्रॉइड 12 और फनटच OS 12 पे चलता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो मित्रों आप टिप्पणी के माध्यम से अवश्य बताइए कि आपको i9 SE कैसा लगा और आप इसको क्या कहना चाहेंगे, स्पेशल एडिशन या फिर क्या नाम देना चाहेंगे, आप टिप्पणी के माध्यम से बता सकते हैं। और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।